बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पीपीएससी की तरफ से बहुत ज़बरदस्त किस्म की जॉब अनाउंस की गई है, जिनकी तफसीलात कुछ इस तरह चलते हैं। इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की तरफ, जो सबसे पहले है जी, एडवर्टाइज नंबर 16/12/2020, अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन अदर देन ऑनलाइन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाटर मैनेजमेंट विंग। इसके अंदर पोस्ट है, केस नंबर आ जाता है, और 41RG 2020 के अंदर एक पोस्ट है, BS 18 के अंदर असिस्टेंट एनामोलॉजिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 ईयर के लिए एक्सपेक्ट टू 5 ईयर तक MSc हॉन्स एग्रीकल्चर सेकेंड डिवीजन इन एलिमेंट्री प्लांट और प्रोडक्शन आफ्टर हैविंग BSc हॉन्स इन एग्रीकल्चर फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑफ रेजोनेंस द हायर एजुकेशन कमीशन एंड 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिसर्च एक्सपीरियंस। उसके बाद ओनली रिसर्च एक्सपीरियंस आफ्टर पॉसिबल डिफरेंट शेल बी कैंडिडेट एक्सपीरियंस ए प्रोवाइड इंटरनेशनल शेल टू बी एक्सेप्ट इन सच एंट्री रजिस्ट्रेशन विद SEPC रजिस्टर और फर्म्स और एनी अदर रजिस्टर अथॉरिटी। अगर मेल आ जाता है, एज लिमिट आ जाती है 40 ईयर तक इसने एज लिमिट दी है मेल के लिए, फीमेल के लिए 43 की दी है। एज एंड सेक्स एंड द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्टैक्ट और CNIC। जेंडर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, डोमिसाइल एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब, प्लेस ऑफ पोस्टिंग वाटर मैनेजमेंट रिसर्च फार्म, रहने वाला खुद डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। वन पेपर MCQ टाइप रिटर्न टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स ड्यूरिंग। उसके बाद MSc होन्स एलिमेंट्री 20%, MSc होन्स प्लांट प्रति 20%, MSc होन्स। उसके बाद फिर प्लांट प्रोडक्शन 20% आ जाता है, जनरल नॉलेज इसके अंदर 40% आ जाता है, जनरल नॉलेज पाकिस्तान करंट अफेयर्स शो स्टडी एविडेंस साइंस इस्लामिक स्टडी। उसके बाद नॉन मुस्लिम की किताब आ जाती है, फिर उसके बाद बेसिक मैथ इंग्लिश उर्दू एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस। दूसरे नंबर पे जो पोस्ट आती है उसका केस नंबर है 42RC 2020, एक पोस्ट है BS 18 डिप्टी डायरेक्टर फार्म आ जाता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फ्रॉम पीरियड ऑफ द 3 ईयर्स एक्सपेंड टू द अप टू 5 ईयर, MSc सेकेंड डिवीजन इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और 18 ईयर एजुकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रेजोल्यूशन बाय हर एजुकेशन कमीशन एंड 5 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड वाटर मैनेजमेंट ओनली रिसर्च प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मस्ट बी अप्रूव्ड आफ्टर प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन प्राइवेट शैल बी एक्सेप्टेड सच एंट्री रजिस्टर्ड SEGP रजिस्टर्ड ऑफ फर्म ऑफ एनी और रेगुलर अथॉरिटी वगैरह, जहाँ का एक्सपीरियंस हो वो फर्म जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके आगे ये जाती है मेल की 40 ईयर तक आ जाती है, फीमेल की 43 आ जाती है। एज एंड सेक्स द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर CNIC। उसके बाद जेंडर आ जाता है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, डोमिसाइल एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, प्लेसिंग पोस्टिंग इसकी भी लुधियाना खुर्द डिस्ट्रिक्ट उखाड़ा। उसके बाद वन पेपर MCQs 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स क्वालिफिकेशन के मुताबिक जो भी है, जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडी करंट अफेयर जनरल नॉलेज एवरीथिंग साइंस सॉरी एवरीडे साइंस इस्लामिक स्टडी, ये सारा आ जाता है। उसके बाद आ जाता है 43RG 2020, 7 पोस्ट है इंक्लूडिंग एक पोस्ट रिजर्व और स्पेशल कोटा, स्पेशल पर्सनल कोटा, 3 पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन कोटा। अच्छा जी, BS 16 के अंदर असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर एक्सटेंड अप टू द 5 ईयर ग्रेजुएट फ्रॉम रेजुलेशन यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसके अंदर मेल की 30 तक है, फीमेल 33 तक है, एज इलेक्शन शामिल है। उसके बाद जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, डोमिसाइल एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब,
प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन द पंजाब, पंजाब के किसी ज़िले में पोस्ट किया जा सकता है। उसके बाद ही आ गया जाता है वन पेपर एमसीक्यू जनरल नॉलेज रिटन टेस्ट और 100 मार्क्स 90 मिनट्स ड्यूरिंग कंपोजिशन जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडीज करंट अफेयर्स इस्लामिक स्टडी और नॉन मुस्लिम के लिए जो आ जाती है किताब बेसिक मैथ इंग्लिश उर्दू एवरी डे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर स्किल्स। उसके बाद आ जाइए 44 आर जी 2020 एक पोस्ट आ जाती है बी बी एस सी के अंदर असिस्टेंट एग्रीकल्चर कमिस्ट आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पीरियड ऑफ द 3 ईयर एक्सटेंड टू अप टू 5 ईयर एम एस सी हॉन्स एग्रीकल्चर सेकंड डिवीजन एंड द सोशल साइंस आफ्टर हैविंग बी एस सी हॉन्स इन एग्रीकल्चर फ्राम यूनिवर्सिटी रेजुलेशन बाई हायर एजुकेशन कमीशन एंड 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर रिसर्चर इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री ऑफ सोशल साइंसेस। उसके बाद नोट आ जाता है ओनली रिसर्च एक्सपीरियंस मस्ट बी अप्रूव्ड आफ्टर पीरियड्स ऑफ क्वालिफिकेशन का था, जो एक्सपीरियंस आपका शामिल किया जाता है वो क्वालिफिकेशन के बाद का होगा, पहले का नहीं होगा। फिर एक्सपीरियंस पीरियड शैल बी एक्सेप्टेड सच इंटरली रजिस्टर्ड एस ई सी पी रजिस्टर्ड फर्म ऑन एनी अदर रेगुलर अथॉरिटी। हाँ, जो फर्म रजिस्टर्ड होगी उसका एक्सपीरियंस का ही माना जाएगा, वैसे ही माना जाएगा। मेल की एज है 40 तक, फीमेल की 43 तक है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर डोमिसल एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आ जाती है इसके जी वाटर मैनेजमेंट रिसर्च फॉर्म रुलाना खुर्द डिस्ट्रिक्ट उगाड़ा। अगर इसका भी वही तरीका वन पेपर एमसीक्यू रिटर्न 100 मार्क्स 90 मिनट इसके लिए ड्यूरेशन दी जाएगी और जो क्वालिफिकेशन के मुताबिक जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडी करंट अफेयर्स एवरी डे साइंस इस्लामिक स्टडीज। अगर नॉन मुस्लिम की बुक कह जो नॉन मुस्लिम होंगे मुस्लिम कैंडिडेट के लिए तो इस्लामिक स्टडी होती है, बाकी मैथमेटिक्स इंग्लिश उर्दू एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडी। उसके बाद अगली पोस्ट आ जाती है असिस्टेंट एग्रोमेट्स, एग्रोमेट्स है जी ये 45 आर जी 2020 है। इसकी 14 पोस्ट है इंक्लूडिंग वन पोस्ट रिजर्व और स्पेशल पर्सन कोटा वन पोस्ट मोनिटरीज कोटा 3 पोस्ट रिजर्व वुमन कोटा। इसके लिए एम एस होन्स एग्रीकल्चर सेकेंड डिवीज़न ऑफ एनी पर्सन सब्जेक्ट फ्रॉम रेजर्वेशन यूनिवर्सिटी 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द फील्ड ऑफ वाटर मैनेजमेंट ओनली प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मस्ट बी द अकॉर्डिंग आफ्टर पीरियड ऑफ क्वालिफिकेशन। इसका भी वही कह रहा है कि जो एक्सपीरियंस आपका क्वालिफिकेशन के बाद का माना जाएगा और जो एक्सपीरियंस है वो जो फर्म आपकी होगी वो रजिस्टर्ड होगी। मेल की 40 तक है, फीमेल की 43 है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर डोमिसल इसके अंदर एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनी वेयर इन द पंजाब। इसके अंदर वन एमसीक्यूज टाइप रिटर्न ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 19 मिनट ड्यूरेशन है। उसके बाद है जी जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडी करंट अफेयर्स इस्लामिक स्टडी और नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स नो अपनी नॉन मुस्लिम वाली बेसिक मैथ इंग्लिश उर्दू एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आ जाती है जी 58 आर सी 2020 एक पोस्ट आ जाती है असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ द 3 ईयर अप टू 5 ईयर एम एस सी ऑन एग्रीकल्चर सेकेंड डिवीजन इन हॉर्टिकल्चर आफ्टर हैविंग बी एस सी ऑन इन एग्रीकल्चर फ्राम यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज बाय द हायर एजुकेशन कमीशन एंड 3 ईयर पीरियड ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फील्ड ऑफ द हॉर्टिकल्चर ओनली रिसर्चर प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मस्ट बी रिक्वायर्ड आफ्टर एजुकेशन के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो ही भी कह रहे माना जाएगा, उससे पहले का नहीं। और जिस जिस जगह का आपका एक्सपीरियंस होगा वो रजिस्टर्ड होने चाहिए फर्म। मेल की एज 40 तक है, फीमेल की 43 है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर डोमिसल एनी डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस पंजाब का प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी वाटर मैनेजमेंट रिसर्चर फ्रॉम रोनैना खुद डिस्ट्रिक्ट उगाड़ा। वन पेपर एम सी क्यूज टाइप रिटन टेस्ट 100 मार्क्स एंड ड्यूरेशन 90 मिनट। उसके बाद जनरल नॉलेज इंक्लूडेड जनरल पाकिस्तान स्टडी करंट अफेयर बाकी वही है सारा पेपर। अगर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की आ जाती हैं पोस्ट जी 46 आर जी 2020 इसका केस नंबर है 4 पोस्ट इंक्लूडिंग एक पोस्ट रिजर्व फ्रॉम वुमेन कोटा। BA 17 लेक्चरर कंप्यूटर साइंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर मास्टर डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएट बी
इन द करंट सब्जेक्ट वन पेपर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑन टीचिंग फॉर द डील ऑफ रेजुलेशन इंस्टीट्यूट और सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोफेंसी स्टेबल बाय द ऑफ स्पेशल एजुकेशन पंजाब ओ आर बी एड स्पेशल एजुकेशन और एम एड स्पेशल एजुकेशन और एम एड। इसकी एज आ जाती है मेल के लिए 33, फीमेल के लिए 36 आ जाती है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर डोमिसल आल पंजाब एस, और जो पोस्टिंग है वो किसी भी पंजाब के ज़िला में होगी। वन पेपर एम सी क्यूज टाइप रिटर्न टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स और 90 मिनट ड्यूरेशन क्वालिफिकेशन एम एस सी। बाकी जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स और हेरिटेज साइंसेज है, इस्लामिक स्टडी है, इंग्लिश उर्दू बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है। उसके बाद जाता है 47 RG 2022, इसकी दो पोस्ट हैं। BS 17 लेक्चरर पंजाबी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। मास्टर डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन ग्रेड बी रेवलेंट सब्जेक्ट 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा टीचिंग फॉर द डील फ्रॉम रेजुलेशन इंस्टीट्यूट और कैंडिडेट ऑफ प्रोवेंसी ऑफ द इशूड बाय द स्पेशल एजुकेशन पंजाब और बी एड स्पेशल एजुकेशन और एम एड एजुकेशन। एज इसके अंदर 33 मेल के लिए, फीमेल 36 है। जेंडर फीमेल, मेल ट्रांसजेंडर, एनी पंजाब का डोमिसल और पंजाब का, और पोस्टिंग भी पंजाब के किसी ज़िला में भी हो सकती है। वन पेपर एम सी क्यूज टाइप 100 मार्क्स 90 मिनट ड्यूरेशन, वही तरीका कार इसका भी। उसके बाद 49 RG 2020 आ जाता है, एक पोस्ट आ जाती है BS 17 के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन आ जाता है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन इन स्पेशल एजुकेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी रेजुलेशन बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। एज इसके अंदर आ जाती है मेल 35, फीमेल 36 ही है। उसके बाद जाती है जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर डोमिसल आल पंजाब और पोस्टिंग जो एनी डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस ऑफ पंजाब। वन पेपर एम सी क्यूज रिटर्न 100 मार्क्स 90 मिनट ड्यूरेशन के साथ ही है, वो तरीकाकार है। उसके बाद आता है 50 RG 2020, दो पोस्ट हैं। लेक्चरर BS 17 में लेक्चर पार्क स्टडी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। मास्टर डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएट बी द रेवलेंट ऑफ सब्जेक्ट 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द फ्रॉम रेजुलेशन इंस्टीट्यूशन और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोवेंसी बाय द इशूड इन द डायरेक्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन पंजाब बी एड स्पेशल एजुकेशन और एम एड स्पेशल एजुकेशन। एजिस के अंदर 33 मेल की है, फीमेल 36 है। जेंडर मेल फीमेल है, डोमिसल आर पंजाब का है, पोस्टिंग एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब। बाकी इसका वो ही है पेपर, वन पेपर एम सी क्यूज है, 100 नंबर का, 90 मिनट ड्यूरेशन है। आगे आ जाता जी 51 RG/2020, 5 पोस्ट आ जाती हैं इसके अंदर। इनकोडी फन पोस्ट रिजर्व फ्रॉम वुमेन कोटा BS 17 लेक्चरर एजुकेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। मास्टर डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन और ग्रेजुएट बी इन द रेवलेंट सब्जेक्ट 1 पेपर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द डी फ्रॉम रेजुलेशन इंस्टीट्यूट और सर्टिफिकेट ऑफ प्रेफरेंस इन द विल इशू द डिग्री ऑफ द स्पेशल एजुकेशन पंजाब और बी एड स्पेशल एजुकेशन और एम ए स्पेशल एजुकेशन और एम एड विल इम्पोर्टेड। एज मेल की 33 है, फीमेल 36 है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, डोमिसल ऑल पंजाब है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब है। वन पेपर एम सी क्यूज रिटर्न टेस्ट है, 100 मार्क्स और 90 मिनट ड्यूरेशन। उसके बाद आ जाता जी 52 RG 2020, BS 17 के अंदर लेक्चरर फाइन आर्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। मास्टर डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएट बी, 1 पेपर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा टीचिंग फॉर द वो सेम ही क्वालिफिकेशन इसके अंदर। मेल 33 है, फीमेल 36 है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर डोमिसल ऑल पंजाब का, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनी पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में। 1 पेपर MCQs 100 नंबर का, 90 मिनट ड्यूरेशन उसकी।
उसके बाद आ जाता है 53 RG 2020 5% इंक्लूडिंग 1% रिजर्व कोटा वुमेन। BS16 के अंदर लाइब्रेरियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर ML लाइब्रेरी साइंस इन द सेक्युलेशन फ्रॉम द 1 ईयर एक्सपीरियंस रेवलेंट फील्ड। मेल के लिए 35 एज है, फीमेल के लिए 38 है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है, डोमिसल ऑल बेसिस पंजाब है। 1 MCQs आर रिटर्न ऑफ द 100 मार्क्स एंड 90 मिनट ड्यूरेशन इसकी भी, ठीक है। अगर ये पेज नंबर 2 आ जाता है 54 RG/2020 केस नंबर 1 पोस्ट है BS17 का लेक्चरर इन मैंडेटरी रिटायर्ड फील्ड एम ए स्पेशल एजुकेशन इन फर्स्ट डिवीजन और ग्रेजुएट बी स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ मॉनेटरी रिटायर्ड मास्टर डिग्री फिजियोलॉजी 1 फर्स्ट डिवीजन और ग्रेड बी। मेल के लिए 33 है, फीमेल 36 है। जेंडर इसके अंदर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ऑल पंजाब का डोमिसल और एनी डिस्ट्रिक्ट किसी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। 1 पेपर MCQs आ जाता है 100 नंबर का 90 मिनट ड्यूरेशन के अंदर। उसके बाद आ जाता है 55 RG/2020 2 पोस्टें लेक्चरर इस्लामियत BS17 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पीरियड ऑफ द 5 ईयर मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएट बी द रेवलेंट सब्जेक्ट 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और द टीचिंग डील फ्रॉम द रेजुलेशन इंस्टीट्यूट और द सर्टिफिकेट प्रोवेंस बाय द इशूड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन पंजाब और BEd स्पेशल एजुकेशन और MEd स्पेशल एजुकेशन के अंदर है। मेल की 33 है, फीमेल 36 है। ट्रांसजेंडर मेल फीमेल दोनों हैं। डोमिसल एनी ऑल पंजाब बेसिस है, पोस्टिंग एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोविंस पंजाब है। उसके बाद वही तरीका आ जाता है 1 पेपर ऑफ द MCQs रिटर्न 100 मार्क्स और 90 मिनट ड्यूरेशन के अंदर। उसके बाद दिया जाता है जी 55 2020 एक पोस्ट है लेक्चरर इन बिलेंड फील्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पीरियड द 5 ईयर MA स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट डिवीजन और ग्रेड बी स्पेशल इन द फील्ड बैंड सर्टिफिकेट प्रोवेंस द प्रोफेंसी बाय द वेल इशूड बाय द डायरेक्टरेट स्पेशल एजुकेशन आल और BEd स्पेशल एजुकेशन। मेल के लिए 33 है, फीमेल 36 है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सारे डोमिसल आल पंजाब का, पोस्टिंग भी यानी पंजाब की है। अगर पेपर भी वही है 1 पेपर MCQs है 90 मिनट ड्यूरेशन के अंदर है, ठीक है। 100 नंबर है। उसके बाद आ जाती है जी 57 RG/2020 4 पोस्ट इंक्लूडिंग 1 पोस्ट ऑफ रिजर्व ऑफ फ्रॉम वुमेन कोटा लेक्चरर और 2 BS17 में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पीरियड ऑफ द 5 ईयर मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन ग्रेजुएट बी रिजर्व ऑफ द सब्जेक्ट 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ टीचिंग फॉर द डियर होम रेजुलेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द स्पेशल एजुकेशन और BEd ऑफ स्पेशल एजुकेशन और MEd एजुकेशन। 33 मेल के लिए, फीमेल 36 है और जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है। डोमिसल आल पंजाब बेस है और जो पोस्टिंग है वो भी है नहीं में पंजाब। 1 पेपर MCQs टाइप टेस्ट 100 मार्क्स 90 मिनट ड्यूरेशन के अंदर। उसके बाद है जी केस नंबर ऑफ द पोजीशन 48 RG/2020 12 पोस्ट इंक्लूडिंग 1 पोस्ट रिजर्व फॉर मॉनेटरी एंड 2 पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन। BS17 के अंदर एडोलॉजिस्ट आ गया जी ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये मेडिकल की MBBS मिनिमम 6 मंथ हाउस जॉब ENT रजिस्टर्ड PMDU एज लिमिट इसके अंदर मेल की 35 है, फीमेल है 38 है। जेंडर मेल फीमेल दोनों हैं और पोस्टिंग प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी जो एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब है। इसका टेस्ट का कोई तरीकाकार नहीं लिखा हुआ, शायद वैसी हो या उसके आगे आ जाता है 62 RG/2020 एक पोस्ट BS17 लेक्चरर ऑप्टोमोलॉजी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर MBBS ऑफ ऑर्थोपेडिकोलॉजी यानी ये हड्डियों वाला डॉक्टर होगा, ऑर्थोपेडिक इसको कहते हैं। कैंडिडेट शुड बी प्राउड सर्टिफिकेट ऑफ द फुल मेडिकल रजिस्टर्ड MBBS एंड डिप्लोमा ऑर्थोपेडिकोलॉजी फ्रॉम PMDC द वॉज द एलिजिबिलिटी द कैंडिडेट। मेल 40 ईयर, फीमेल 43 ईयर के लिए। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर डोमिसल आल पंजाब और
आपकी पोस्टिंग जो होगी वो भी एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब की है। नहीं जो उसने पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सर्विस सेंटर ऑफिस लमसम सैलरी पैकेज जो है वो 30,000 उसने लिख दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन बीए बीएससी ये सारा उसने नीचे दे दिया होगा। 6 मंथ का आपका डिप्लोमा, ये एज दे दी गई है। ये नीचे भी कुछ पोस्ट हैं इसकी जी। वन पोस्ट है 59 आरसी के लिए मिस मैनेजर BS 18 ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पीरियड द 5 ईयर मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन ग्रेड बी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैचलर डिग्री फ्रॉम द 4 ईयर फर्स्ट डिवीजन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सर्टिफिकेट डाटा प्रोसेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन और डाटाबेस सिस्टम एनालिस्ट। अपनी एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको कह रहा है वो बाद का माना जाएगा, पहले का नहीं माना जाएगा। मेल के लिए 40 ईयर, फीमेल 43 है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर डोमिसल एनी पंजाब प्रोविंस का है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसने बता दी है LGCO डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट लाहौर के अंदर है ये। वन पेपर MCQs वो तरीकाकार आ जाता है इसका भी, उसके अंदर 60 RG 2020 के अंदर 28 पोस्ट हैं जी। इनक्लूडेड 2 पोस्ट रिजर्व फ्रॉम द मोनिटरीज कोटा एंड 19 पोस्ट रिजर्व फ्रॉम वुमेन कोटा। मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन साइकोलॉजी सोशल वर्क पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर इकोनॉमिक्स फिजिकोलॉजी LLB फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ रेजर्वेशन द हायर एजुकेशन कमीशन। मेल के लिए 33 है, फीमेल 36 है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर है। डोमिसल एनी डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस का होना चाहिए और पोस्टिंग भी आपकी किसी डिस्ट्रिक्ट में की जा सकती है। वन पेपर MCQs 100 नंबर का है, आपकी डिग्री के मुताबिक लिया जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास एक पोस्ट 61 RG 2020 2 पोस्टेज BS 16 के अंदर नेटवर्क सिस्टम इंजीनियरिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ द 3 ईयर मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन और ग्रेजुएट बी और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बैचलर डिग्री 4 ईयर फर्स्ट डिवीजन और ग्रेजुएट बी इन द कंप्यूटर साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड द हायर एजुकेशन कमीशन एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रबल स्टूडिंग द 1 पीरियड एक्सपीरियंस आफ्टर प्रोविंस क्वालिफिकेशन शैल बी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस अकाउंटिंग टू द सच इंटरेस्टिंग SP रजिस्ट्रेशन फर्म। मेल 35 है, फीमेल 38 है। जेंडर फीमेल, मेल और फीमेल दोनों। डोमिसल एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी सिविल सेक्रेटरीट लाहौर के अंदर है जी। वन पेपर MCQs 100 मार्क्स 90 मिनट ड्यूरेशन के अंदर। ये बाकी इसकी इंटरव्यू कंडीशन आ जाती है। लास्ट डेट इसकी 27/7/2020 है 12 AM तक, ठीक है। यानी जो चलान फॉर्म जो अपने जमा करना, टर्म और कंडीशन आप इसको अच्छी तरह रीड आउट कर लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।